आज बसु बीजेपी विधायक दल बैठक अपरा चारिटार बैठक बसेको एपि तिन पर्यवेक्षक हरिया मुख्यमन्त्री मनोहरलाल खट्टर असल अक्र के लक्ष्मण दिन एघारटा सुधा भोपाल भोपा पहुँचे विधायक दल बैठक बैठकप गाइडल जारी दिन गोटाएर विधायकको रेजिष्ट्रेसन शे तेसठी विधायक ग्रुप फटो सेसन यहाँ बैठक आरंभ आरम्भ बैठक पूर्व कौन विधायक प्रतिक्रिया रखिपारे ना मुख्यमंत्री रेस नरेन्द्र सिंह तोमर कड़ा विजयवर्गीय ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ना चुनाव तीस आसन विशिष्ट मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन मेंसठन विजयी बाद में हमारे आज मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो कमिटी तीन सदस्य का कमिटी है तो पूछताछ करेंगे बाद में हमारे आला उसके ऊपर निर्णय लेगा नहीं नहीं अभी कुछ नहीं अभी शाम में उसके बारे में बारे में चर्चा होगी रामलला हम आएंगे इसी शब्दों के साथ ये पोस्टर और, और कटआउट यहां पर लगा हुआ है और 2023 में भी ये बड़ा फैक्टर था 2024 में भी ये बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है 22 जनवरी को सभी को अयोध्या में आमंत्रित किया गया है आपको 22 जनवरी को जितने भी विधायक सांसद मंत्री या जो मुख्यमंत्री चुना जाएगा डिप्टी सीएम चुना जाएगा 22 जनवरी को ज्यादातर चेहरे आपको अयोध्या में नजर आएंगे आज यहां से एक आमंत्रण भी अयोध्या के लिए दिया गया है हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं और कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं यहां पर जो भी विधायक एक विधायक हैं उनका फोटो सेशन होगा इस फोटो सेशन में जो तीन पर्यवेक्षक होंगे और तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे इस पूरे फोटो सेशन में इस दौरान कुछ तस्वीरें और भी दिखाएंगे जहां एक तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल भी है उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वरिष्ठ नेताओं से बड़े नेताओं के साथ वो यहां पर चर्चा करेंगे हालांकि साढ़े ग्यारह बारह बजे तक जो तीन पर्यवेक्षक हैं वो बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएंगे और हालांकि तीन पचास पर जो बैठक है विधायक दल की बैठक है उसी विधायक दल की बैठक में लगभग वहां पर विधायकों को संदेश दे दिया जाएगा कि कौन आप किसे चुनने जा रहे हैं कौन चेहरा होगा लेकिन उससे पहले सीनियर नेताओं के साथ यहां पर चर्चा जरूर होती रहेगी साढ़े ग्यारह से बारह बजे तक जैसा कि जिक्र भी किया कि जो तीन पर्यवेक्षक हैं पहुंच जाएंगे इसके अलावा ये कुछ और ये देखिए आप एक ये पोस्टर बड़ा महत्वपूर्ण है इस पोस्टर पर अगर फोकस करें तो हालांकि यहां कुछ प्रॉपर ये लाइन ही देख रही है एमपी के मन में मोदी देश के मन में मोदी पहले आपको लाइन याद होगा एमपी के मन में मोदी मोदी के मन में एमपी पहले टारगेट एमपी था और अब देश टारगेट है यानी दो टारगेट है स्लोगन बदल गया है लाइन बदल गई है बीजेपी की अब Uh, 2024 पर पूरा टारगेट रहेगा यहां से वो संदेश देने की कोशिश भी होगी खासतौर से जो चेहरा आज चुना जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर उसके सामने सबसे बड़ा सबसे बड़ा uh, जो टारगेट है वो यही रहेगा केवल 28 सीटें नहीं लानी है अब आपको उनतीस सीटों पर टारगेट करना है विधायक जब आएंगे ये लंच एरिया रहेगा विधायकों के लिए यहां बैठकर लंच करेंगे खाना खाएंगे ये उस हॉल की जस्ट बाहर है जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है ये एक और स्लोगन जरा देख लीजिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जो बीजेपी जिस लाइन का अक्सर जिक्र करती है उस लाइन को यहां पर फिर रखा गया है और अब हम उस हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं इसी हॉल में विधायक दल की बैठक होनी है एक विधायकों के लिए यहां पर सीटें लगाई गई हैं फ्रंट की सीट रिजर्व है और इन फ्रंट की सीटों पर अगर हम जिक्र करें तो जो महत्वपूर्ण चेहरे होंगे वो बैठेंगे लाइन से जो फ्रंट की आगे वाली सीटें हैं वो रिजर्व रखी गई अब थोड़ा सा मंच की ओर मैं कहूंगा कि तस्वीरें जरूर दिखाएं इस तस्वीर इस मंच पर न केवल वो तीन ऑब्जर्वर रहेंगे बल्कि इसके अलावा जो उम्मीदवार या हम कहें कि चेहरे के तौर पर सबसे आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के लिए स्पीकर के लिए वो सारे यहां पर मौजूद रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद रहेंगे इसके अलावा जो सांसद है, हो सकते हैं हो सकता है उनमें से भी कुछ चेहरे आपको यहां पर नजर आए बहुत महत्वपूर्ण चेहरे इस मंच पर रहने वाले हैं पदाधिकारी जो बड़े पदाधिकारी हैं मध्य प्रदेश के वो भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे तो तैयारियां पूरी हैं साढ़े ग्यारह बजे तक ऑब्जर्वर पहुंच जाएंगे चर्चाओं का दौर लगातार चलता रहेगा और तीन पचास पर इस हॉल से बैठक शुरू हो जाएगी आप ये मानकर चलिए लगभग साढ़े चार बजे तक हो सकता है कि तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाए भोपाल से कैमरामैन दीपक सिंह के साथ प्रशांत कटारे न्यूज एटीन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़